वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं दो क्रीम्स का रिव्यू करने वाली हूँ, लाइक एक पॉन्स की बीबी क्रीम है एंड दूसरी लैक्मे की 925 सीसी क्रीम है। तो बहुत लोगों को ये टेंशन होती है कि इन दोनों में से हम कौन सी परचेज करें अगर हमें ट्राई करनी है। तो मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मैंने भी बहुत सर्च किया था इस पर कि कौन सी मुझ पर सूट करेगी या कौन सा ये, बट एंड में मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे कौन सी सूट करेगी। या मैंने दोनों खरीद ली थी। फर्स्ट तो मैंने ये खरीदी थी लैक्मे की 925 सीसी क्रीम एंड देन मैंने पॉन्ड्स की बीबी क्रीम खरीदी। तो अब मैं दोनों के बारे में आपको बताती हूँ। तो ये है लैक्मे 925 सीसी कॉम्प्लेक्शन केयर क्रीम 0.2 हनी, इसका जो शेड है शायद शेड ही है ये। और ये ऑल इन वन इंस्टेंट स्किन स्टाइलिस्ट एंड SPF 30 PA++ है ये। तो ये इसका कुछ है, बहुत कुछ दिया है इन लोगों ने, तो मैं इतना ही बताना चाहूंगी कि ये कुछ ऐसा कहते हैं इसके बारे में कि इसमें SPF है वो भी 30+ SPF है और ये इंस्टेंट स्किन स्टाइलिस्ट है। तो देखते हैं। और ये है पॉन्ड्स की बीबी क्रीम व्हाइट ब्यूटी, पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी BB+ 01 ओरिजिनल। इसमें भी दो शेड से अभी आई है आई थिंक शेड, ये ओरिजिनल है 01 ओरिजिनल है और इसमें कुछ दूसरी वाली शेड आती है जो आई थिंक इसके जो टेक्सचर है जो कलर है इसका उससे थोड़ा सा डार्क कलर होता है आई थिंक सो सही कुछ है। तो ये इंस्टेंट स्पॉट कवरेज और नेचुरल ग्लो ऐसा इनका कहना है। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं अच्छी है, कौन सी कितना सच बोल रही है। Let's get started. तो मैं आपको मेरे जो फेस है फेस के इस साइड पे मैं इस क्रीम को लगाऊंगी और इस साइड पे इस क्रीम को लगाऊंगी। तो आप खुद देख लीजिएगा आपको जो लगता है नहीं लगता है। और प्लस पॉइंट ये है कि अभी रिसेंटली मुझे पिंपल्स भी आए हुए हैं, तो देखते ही स्पॉट कवरेज करता है या नहीं और कितनी हद तक करता है। फर्स्ट मैं इस क्रीम को अपनी इस साइड पे लगाती हूँ जो है 925 सीसी क्रीम। तो इसका जो कलर है जो टेक्सचर है कुछ ऐसा है एज यू कैन सी। ये ज्यादा थिक नहीं है, मतलब रनी कंसिस्टेंसी है आई थिंक सो इसकी। हाँ बहुत ज्यादा रनी कंसिस्टेंसी है। तो मैं अपने इस पार्ट पे इसे लगा के देखती हूँ। आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, मैं हाथ से लगाना प्रेफर करती हूँ तो मैं हाथ से ही लगा के दिखाती हूँ। ओके, तो इस पार्ट पे मैंने क्रीम को लगाया है, कैसा दिख रहा है आपको आपको ज़्यादा समझ में आएगा आई थिंक सो। और देन मैं अपने इस पार्ट पे इस क्रीम को लगाऊंगी। इसका जो स्मेल है ये 925 सीसी क्रीम का, वो स्मेल थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे। अब मैं इसे ट्राई करके देखती हूँ स्किन पे। तो ये जो क्रीम है पॉन्ड्स की बीबी क्रीम बीबी प्लस क्रीम, तो इसका टेक्सचर कुछ ऐसा है। इसका जो टेक्सचर है वो उससे थोड़ा सा थिक है, उसका रनी है थोड़ा सा रनी है, इसका थिक है उसके उससे अगर कंपेयर करें ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैं इस पार्ट पे अपने से लगा के देखती हूँ मुझे कैसा लगता है। एंड सच बताऊँ तो मैं मेकअप पर्सन नहीं हूँ, मुझे नहीं होता है ना मेकअप वगैरह, तो मैं नॉर्मली ऐसी क्रीम्स ही प्रेफर करती हूँ। अगर आप भी मेकअप पर्सन नहीं है तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा कुछ सीखना है मेकअप में जो कि ज़रूरी होता है। तो हाथ से आप ब्लेंड कर दीजिए, आपको फर्स्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है बट बाद में हमें आदत हो जाती है तो फिर हम कर पाते हैं ब्लेंड से। ओके तो इसके बाद मैंने इसे खरीदा था और पता नहीं क्यों बट मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी थी मेरी स्किन के लिए, मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे ज़्यादा सूट हो गई तो मैं इसे ही प्रेफर करती हूँ।
मैं ये वाली ज्यादा नहीं लाती हूँ, बट आज मैंने रिव्यू के लिए लगाया, बट मुझे अच्छी लग रही है। अब ये लोग कहते हैं कि इंस्टेंट स्पॉट कवरेज करता है और नेचुरल ग्लो देता है, तो नेचुरल ग्लो शायद ये देता है, बट इंस्टेंट स्पॉट कवरेज का मैं नहीं बता सकती। मुझे नहीं लगता इंस्टेंट स्पॉट कवरेज या जैसे ये लोग बोलते हैं वैसा वो कुछ करते भी है या उनकी क्रीम्स कुछ ऐसा इफेक्ट देती भी है, बट ओवरऑल ये क्रीम्स अच्छी है, दोनों ही अच्छी लगी मुझे अभी लगाने के बाद, और ऑलमोस्ट सेम लग रहा है दोनों का भी। तो इसकी प्राइस 99 रुपीज है, या 99 जो कि है Lakme 925 cc, एंड इसकी प्राइस है 82 रुपीज जो कि है पॉन्ड्स की बीबी क्रीम। तो ये थोड़ी सी बजट में है, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, और दोनों सेम मतलब 9 रैंक की ही दोनों भी क्रीम सेम ये है, और दोनों ही अच्छी है। अगर आप अब आप देख लीजिए आप इनमें से कौन सी प्रेफर करना चाहते हैं या कौन सी लगाते हैं। अब भी मैं आपको एक बात इसके बारे में बता दूं कि जो जिनके शेड्स ज़्यादा डार्क होते हैं, तो इनमें से ना डार्क शेड के लिए भी आती है अलग है, मतलब आई थिंक ये या मुझे नहीं पता इतना, बट इसमें सेकंड शेड आती है जो थोड़ी सी डार्क स्किन के लिए, डार्क जिनकी स्किन टोन है उनके लिए वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप जब भी जाए तो सेकंड वाली शेड एक बार ट्राई कर लीजिए अगर आपकी स्किन टोन थोड़ी सी डार्क है तो। बस बाकी आज के लिए इतना ही, मुझे दोनों अच्छे लगे हैं इतना कुछ ज़्यादा नहीं, बट अगर आप मेकअप पर्सन नहीं है, अगर आपको ज़्यादा फाउंडेशन वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है, आपको लगाना नहीं आता मेरी तरह, तो आप इसे प्रेफर कर सकते हैं, दोनों ही अच्छी है, आपको एक अच्छा सा ग्लो इफेक्ट जरूर देती है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, और कमेंट में बताइए आपको कौन सा वीडियो चाहिए नेक्स्ट। कोई बताता ही नहीं है कमेंट्स में, बट कमेंट्स जो करते हैं उन्हें थैंक यू सो मच, जो मुझे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उन्हें भी थैंक यू सो मच। तो दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।